हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ का ये 12D चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चलेगा? 12D। ओके, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइए देखते हैं क्या है। कह रहा, मिस्टर टेलर इज लेइंग टाइल ऑन द किचन फ्लोर। द फ्लोर इज 5x7 meter। हाउ मेनी 20 centimeter square टाइल्स विल ही नीड टू कवर द फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम टाइल्स का जो एरिया है वो निकाल लेंगे, फिर पूरे फ्लोर का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 5 × 7 इक्वल टू 35 meter square। ठीक है, फिर एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू 20 × 20 इक्वल टू 400 centimeter square। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करें, ठीक है, तो ये 500 सेंटीमीटर होगा और ये 700 सेंटीमीटर, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ये 35 में 40 ऐड कर देंगे तो 3,50,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्लोर का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर। तो अब नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइल इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। ओके, तो अब एरिया ऑफ फ्लोर क्या है? इसकी वैल्यू रख देंगे 500 × 700 अपॉन 20 × 20। तो देखिए, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा। पूरे को अगर कैंसिल करेंगे 4 से तो 125 हो जाएगा। ठीक है, और 125 7 जा कितना हो जाएगा? 125 7 जा हो जाएगा 800। ये इक्वल टू हो जाएगा 875। तो 875 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसको हटा देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ईच मेजरिंग 5 cm, 3 cm दैट कैन बी कट फ्रॉम अ सीट ऑफ 36 cm by 30 cm। एज्यूम दैट देयर इज नो वेस्टेज। ठीक है, तो कह रहा कि नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सीट निकाल लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
टू एरिया ऑफ सीट इक्वल टू एरिया ऑफ सीट इक्वल टू हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 30, 36 मल्टीप्लाई 30, ओके। और फिर एरिया ऑफ पीसेस, एरिया ऑफ पीस, एरिया ऑफ पीस इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ओके। तो नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस पीसेस इक्वल टू एरिया ऑफ सीट अपॉन एरिया ऑफ सीट अपॉन एरिया ऑफ पीस, ओके। तो यही इक्वल टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 36 टू जा कितना हो जाएगा 72 टाइल्स, कितने वो सॉरी 72 पीसेस, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कह रहा हाउ मेनी स्टैम्प्स ईच मेजरिंग 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर कैन बी पेस्ट सीट ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम तरीके से इसको भी लगाएंगे, तो नंबर ऑफ टाइल, वो नंबर ऑफ क्या स्टैम्प, नंबर ऑफ स्टैम्प इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर अपॉन एरिया ऑफ स्टैम्प, एरिया ऑफ स्टैम्प, ओके। तो एरिया ऑफ पेपर कितना हो जाएगा, तो यही इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। तो अब देखिए 1.5 है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ऊपर जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो 15 4 जा 60 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, 24 स्टैम्प्स लगेंगे, ओके। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करा अ पीसेस ऑफ लैंड 50 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर वाइड, हाउ मेनी बसेस कैन बी प्लांटेड इफ 15 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्राउंड अलाउड फॉर ईच बस, ठीक है। देखिए इसमें क्यारियां लगानी है, तो क्यारियों के कुछ पेड़ लगाने हैं, तो उसका जो टोटल एरिया है उसको क्यारी के एक पेड़ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एरिया
ऑफ लैंड इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 36, ओके ये हो गया। फिर एरिया ऑफ वन बस इक्वल टू 15 मीटर, यानी 15 मल्टीप्लाई 15, ओके तो यहां से नंबर ऑफ बसेस इक्वल टू, बसेस इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15। तो अगर 5 से काटे हैं इसको तो 5 5 जा और 5 3 जा, 5 3 जा और 5 10 जा, 5 2 जा, ठीक है। अब 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 4 जा 26 और 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू हो जाएगा क्या 8, ठीक है। तो इस तरीके से क्या नंबर आप तो 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 120, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ लैंड 20 मीटर एंड 10 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है 100 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100, ओके। तो नंबर ऑफ प्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्लॉट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो 25 जा 100 और 10 10 जा 100 और 10 5 जा कितना हो जाएगा 50 प्लॉट्स हो जाएंगे, ठीक है ये हो जाएगा। फिर कह रहा एक क्वेश्चन नंबर 6, करा अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 85 by 51, अ गार्डन इज टू बी लेड इन इट। एक 85 मल्टीप्लाई 51 का एक गार्डन है, एक फील्ड है, उसमें एक गार्डन हमको बनवाना है,
हाउ मेनी प्लांट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच प्लांट्स रिक्वायर्ड टू मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर स्पेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 जो हो जाएगा उसको ये हो जाएगा आप लोगों को होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।